जय माता दी। कविता प्लेट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत में खाए जाने वाली चार तरह की चटनी। हरी पुदीने की धनिया की चटनी, कच्चे आम की चटनी, नारियल की चटनी और गुड़ इमली की चटनी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे धनिया पुदीना की हरी चटनी। एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून व्रत वाली मूंगफली डालेंगे। व्रत की जो छिलके वाली मूंगफली आती है, कच्ची मूंगफली, उसे एक पैन में थोड़ा सा भून लेंगे और उसका छिलका उतार लेंगे और फिर उसको इसमें यूज़ कर लेंगे। वैसे व्रत की मूंगफली बिना छिलके की भी मार्केट में मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और जाएगा 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 से 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, 1/2 नींबू का रस, तकरीबन 1 कप धनिया, 15 से 20 पत्ते पुदीने के, और डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, 2 से 3 टेबलस्पून। इनमें से व्रत में अगर आप कोई चीज़ ना खाते हो तो उसे चटनी में ना डालें। और इसे हम महीन पीस लेंगे। देखिए हमारी चटनी कितनी सुंदर पीस के तैयार हुई है। इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। हमारी धनिया पुदीने की हरी चटनी बनके तैयार है। तो अब हम बनाएंगे कच्चे आम की चटनी। इसके लिए हम ये कच्चे आम लेंगे और इनको छीलकर छोटा छोटा काट लेंगे। एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें जाएगा ये कच्चा कटा हुआ आम तकरीबन 1 कप, इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून नमक, 2 से 3 टीस्पून चीनी, 1 छोटी हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा, और कलर के लिए डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी और इसे महीन पीस लेंगे। आमी की चटनी में चीनी और नमक आपकी आमी पे डिपेंड करता है। अगर आमी बहुत खट्टी है तो उसमें चीनी और नमक ज़्यादा डलेगा, और जैसे कि आज हमारी आमी थोड़ी पीली थी तो इसमें मैंने कम चीनी और कम नमक डाला है क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ी मीठी होती है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमारी आमी की चटनी तैयार है। अब हम बनाएंगे नारियल की चटनी। मैंने ये कच्चा नारियल छोटे छोटे पीसीज में काट के लिया है। आप इसकी जगह सूखा नारियल भी ले सकते हैं। उसे कद्दूकस करके 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक गर्म पानी में भिगा के फिर यूज़ करें। एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें ये कटा हुआ नारियल डालेंगे, भुनी हुई मूँगफली, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1 हरी मिर्च, 1/2 नींबू का रस। आप ये मसाले, नींबू का रस सब अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जाएगा ये 2 टेबलस्पून दही और कलर के लिए हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। थोड़ा सा पानी डालकर इसे महीन पीस लेंगे। नारियल की चटनी हमें इस कंसिस्टेंसी की पीस के तैयार करनी है। अगर आपको गाढ़ी लगे तो आप थोड़ा और पानी डाल सकते हैं। मुझे ये 1 कप नारियल में 1/2 कप तकरीबन पानी लगा है। इसे बोल में निकाल लेंगे। नारियल की चटनी में चलिए छौंक डालते हैं। एक तड़का पैन को गरम करने के लिए रखेंगे, 1/2 टीस्पून घी डालेंगे। मैंने देसी घी लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं जो आप व्रत में खाते हो। घी गरम हो गया है, गैस बंद कर देंगे और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून सफ़ेद तिल। अगर आप तिल ना खाते हो तो आप तिल अवॉइड कर दें। हमारा छौंक तैयार है, हम इसे चटनी के ऊपर डाल देंगे। हमारी नारियल की चटनी तैयार है। अब हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। इमली की चटनी के लिए सबसे पहले हम इमली को गर्म पानी में भिगो के रखेंगे, कम से कम 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक। आधा घंटा हो गया है, हम अपनी इमली चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे से पानी में भीग के फूल गई है। अब हम इसे
छान लेंगे। अगर आपकी इमली बिना बीज की है, सीडलेस है, तो आप उसे मिक्सी में चलाकर भी और फिर छान लें तो इसका पल्प बना लें। और अगर आपकी इमली में सीड्स हैं तो आप फिर इसे ऐसे छल्ली में डालकर ही छान लें। हमने ये एक बार ही छान ली है, अब इसको हम दोबारा से इसमें डाल और इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसे एक बारी और अच्छे से मस लेंगे और इसे दोबारा से छलनी में डालकर छान लेंगे, जिससे इसकी ये सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाएं। हमें ये इमली का पल्प मिल गया है, अब हम इसे पकाएंगे। एक पैन गरम करने के लिए रखेंगे, तेल, हमें ज़्यादा तेल नहीं चाहिए। तेल गरम होने पे इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और जैसे ही जीरा चटक जाएगा इसमें डालेंगे ये इमली का पल्प और इसे चलाते हुए पकाएंगे। जैसे ये उबलने लगे इसमें हम ये गुड़ डाल देंगे। गुड़ को आपको थोड़ा बारीक कूट के ही लेना है, जिससे कि ये इसमें जल्दी से पिघल के मिक्स हो जाए। और मैंने यहाँ पे गुड़ की क्वांटिटी इमली से डबल ली है, मतलब 1/2 कप इमली तो 1 कप गुड़, बट आप इसमें गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी सी और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। हमारा गुड़ इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर भुने हुए जीरे का, 1/2 टीस्पून सौंठ का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर। अगर आपके पास सौंठ का पाउडर ना हो तो आप जब इमली को मिक्सर में चलाएं तभी 1/2 से 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी उसके साथ ही ग्राइंड कर लें। आप इसमें से व्रत में अगर कोई भी चीज़ नहीं खाते हो तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, उसके बिना भी ये चटनी उतनी ही टेस्टी बनेगी। मीडियम फ्लेम पे आपकी ये चटनी 5-7 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो। हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है, हमें ये इस कंसिस्टेंसी की गाढ़ी करनी है, इसे हम ठंडा करेंगे। आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स जैसे कि किशमिश, खरबूजे की गिरी आप डाल सकते हैं, पर मैं आज इसे सिंपल ही रख रही हूँ। देखिए ये ठंडी होके और भी गाढ़ी हो गई है, ये देखिए। इसे एक बोल में निकाल लेंगे। इसकी गार्निशिंग के लिए मैं ये थोड़े से खरबूजे के बीज इसके ऊपर से डाल रही हूँ। इन चटनियों को आप आराम से फ्रिज में 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि आप इन्हें नवरात्रों से पहले बना लीजिए और पूरे नवरात्र आराम से एंजॉय कीजिए। और इमली की चटनी को तो आप 1 महीने 1.5 महीने तक भी बड़े आराम से रख सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, कविता'स प्लेट रेडी है व्रत की चटपटी और मज़ेदार चटनियों के साथ। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स और इससे जुड़े सारे लिंक्स की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल व्रत की एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।